CBT, we have done last time preparation of NUH, and we have prepared from NaCl plus water. You have got two gases, chlorine and hydrogen, and a base that is NaOH, that is also known as alkali. Now, what are alkali? The bases which are. You are not in the junior classes now. So sorry, I am. The bases which are soluble in water is known as alkali. Now we have to start with the bleaching powder. In the bleaching powder, you will react with calcium hydroxide with the chlorine. Draw the structure of calcium hydroxide. Hurry up, all of you. Sahaj, open your notebook and draw the structure of calcium hydroxide. Plus chlorine, Cl2. Cl2, chlorine. This is calcium hydroxide. Plus Cl2 give you calcium oxychloride plus water, and this calcium oxychloride is nothing but bleaching powder. The word bleaching means which bleach, which means which decolorized. ठीक, bleaching powder क्या बेटे? Decolorize करते हैं. Decolorize का मतलब क्या है? किसी का भी कलर निकाल लेते हैं. ठीक है, वैसे ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक ब्लीचिंग पाउडर है जो दूसरे सब्सटेंस को ब्लीच करता है. तो वन ऑफ द यूजेस यू कैन राइट इट ब्लीच द सब्सटेंस. ठीक, देन बेटे क्योंकि ये क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन लाइब्रेट करता है. नेसेंट का मतलब ये है, यू विल डू इन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, कि जो क्लोरीन एज ए एटम लाइब्रेट होती है दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस. हमेशा जिसकी एलिमेंट की एक एलिमेंट्री फॉर्म है. नोबल गैसेस सिर्फ एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे HE2 कभी नहीं सुनते आप, NE2 कभी सुने? नहीं सुनोगे. नियॉन NE ही है, आर्गन AR ही है, मगर Cl आप अकेला नहीं बोलते, आप बोलते हो Cl2. ऑक्सीजन आप अकेला नहीं बोलते, आप बोलते हो O2. ठीक है, क्योंकि ये बेटे सारे डाईएटॉमिक गैसेस हैं. ये डाईएटॉमिक क्यों है? क्योंकि आप यू हैव डन ऑक्टेट रूल, क्योंकि इन्होंने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, इसलिए ये बॉन्ड स्टैब्लिश करके रहते हैं. ठीक है, एलिमेंट्री स्टेट, किसी की एलिमेंट्री स्टेट किसको कहा जाता है? कि किस स्टेट में हमें एलिमेंट मिलता है. कभी भी क्लोरीन हमें सीएल अकेले की फॉर्म में नहीं मिलेगी. अगर किसी रिएक्शन में सीएल अकेली बनेगी तो उसे कहेंगे नेसेंट क्लोरीन बनी, जो कि बहुत रिएक्टिव होगी. दैट इज बहुत रिएक्टिव, द मोस्ट रिएक्टिव. तो इट इज यूज इन द डिसइंफेक्टिंग. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर आपके वाटर्स में डाला जाता है तो आपको डिसइंफेक्टेंट कर देता है. टेक्सटाइल या पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है कि आप उसका कलर, जो भी कलर चीजें उसका कलर निकाल पाओ. ठीक है, क्लोरीन प्लस वाटर क्योंकि आपको नेसेंट क्लोरीन देता है. नेसेंट क्लोरीन फिर नेसेंट ऑक्सीजन देगा, बिकॉज ये ब्लीच ऑक्सीजन से करता है, इसका ब्लीचिंग एक्शन भी परमानेंट होता है, ये कलर को डीकलराइज करता है. फॉर योर क्लासेस ये याद रखना है आपने कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कैसे प्रिपेयर करोगे. आप स्लेक लाइम लोगे, ठीक है, समझ आ रही है? उसमें क्या डालोगे? क्लोरीन, और आपके पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा. ये ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट कलर का है. इस ब्लीचिंग पाउडर के क्या यूजेस हैं? ये यूज है जहाँ पे भी ब्लीचिंग जरूरी है, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री है, चाहे वो कपड़ों की दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री है,
किसी चीज़ को डिसइनफेक्टेंट करना है तब हमने इसको यूज़ करना है. तो सो मैनी यूजेज आर गिवन. यूजेज में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, पर अब एमसीक्यू बेस्ड हो गया तो या तो या तीन यूज लिख के लिखेंगे ऑल ऑफ दीज. अब आई डोंट नो हाउ इट विल बी कमिंग और द डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन. गॉट द पॉइंट? सो यू हैव डन वन इज द प्रिपरेशन ऑफ एन ए ओ एच विच यू हैव प्रिपेयर फ्रॉम एन ए सी एल प्लस वाटर गिविंग यू क्लोरिन हाइड्रोजन एंड एन ओ एच. उसके भी हमने यूजेज देखने हैं, मैंने आपसे सुना करने हैं अब. ठीक है, दिस इज ओनली अ क्रैमिंग पोर्शन. ठीक है, रिएक्शन आई विल डेफिनेटली हैव टेस्ट ऑफ यू. ठीक है, समझ आ रही है? अब उसके बाद आपकी सिलेबस में कौन सा सॉल्ट है? सोडियम बाईकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा व्हेन द टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड इज एडेड टू इट. ठीक है, नाउ राइट डाउन बेकिंग पाउडर, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाईकार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. और बेकिंग पाउडर बाई का मतलब है जहां पे हाइड्रोजन आ जाती है, दैट इज अ बाई वॉन्ड. अब ये ध्यान से याद रखो बेटे, जहां से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया ना, ना किससे बनाया? NaCl से. वहां से ये बनेगा, पर इसके बीच में आप अमोनिया ऐड करोगे. समझ आ गई? अमोनिया क्या होता है? दिस इज अमोनिया. राइट डाउन दिस इज अमोनिया, क्योंकि सबको नहीं पता. अमोनिया में आपने वाटर डालना है, अमोनिया में आपने कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है. हरी अप. NH3 इज अमोनिया. सहज, व्हाट इज NH3? अमोनिया. अमोनिया में क्या ऐड किया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड. हमने पहुंचना सोडियम बाइकार्बोनेट में है, यहाँ पे आपको अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलेगा. ठीक है, यू विल गेट अमोनियम बाइकार्बोनेट. इट इज नोन एज अमोनियम बाइकार्बोनेट. याद ही करोगे आप और कुछ तो कुछ नहीं करोगे. तो AlCl3 कैसे बनाते हो? Al प्लस Cl2 करते हो ना, तो AlCl3 कैसे हो जाता है? हाँ, इफ आई विल राइट Al प्लस Cl2, यू विल गिव मी द आंसर. यू नो व्हाट यू विल गिव मी द आंसर? AlCl3. यू आर एक्टिंग Al प्लस Cl2, बट यू आर गिविंग द आंसर AlCl3. हाउ कम? क्या अर्पित, 9th स्टैंडर्ड खोल के वैलेंसीज पढ़ियो. 9th स्टैंडर्ड, ओपन योर 9th स्टैंडर्ड बुक. Read about the valences and read about the formulas, and then you will get the answer. This is ammonium bicarbonate. If you will react ammonium bicarbonate with NaCl, that is your common salt, which was the starting reactant for also
योर एन ओ एच, ठीक। तो हमने बनाना क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट विल बी प्रिपेयर्ड गिविंग यू अमोनियम क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट और बचा क्या, NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। यू आर गेटिंग अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। आपकी रिएक्शन ये नहीं है, ये टू स्टेप रिएक्शन थी, तो मैंने दोनों स्टेप दिखाए। अगर दोनों स्टेप को आप ऐड कर दोगे, यू विल ऐड ऑन जो इसका प्रोडक्ट है, इसका रिएक्टेंट है, दिस विल बी कैंसल आउट। अगर दोनों को ऐड करूंगी, यू आर डूइंग मैथ, इस साइड पे अगर थ्री है इक्वल टू इस साइड भी थ्री है, तो थ्री माइनस थ्री हो जाता है। इन द सेम वे अगर इन सबको हम ऐड करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, अमोनियम प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl, दिस इज अवर रिएक्टेंट साइड। What is in the product side? Again, ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate, and ammonium chloride can be same. Ammonium bicarbonate, दोनों side आ रहा है, Cancel out हो जाएगा. Write the final reaction. Hurry up yourself. Hurry up. I'll check your notebook after the class, you have written or not. Final reaction yourself you will write. What will the final reaction? Ammonia plus water plus carbon dioxide plus NaCl, giving you ammonium bicarbonate, ammonium chloride, sodium bicarbonate and ammonium chloride. हमने क्या किया, अब इसको अगर मैं हिंदी में समझाऊं, हमने नमक लिया, नमक को पानी में घोला, दो गैसेस ली, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पास कर दिया। अगर इसको याद, बेटे यू जनरली क्रैम द रिएक्शन, केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ोगे जल्दी याद होती है। NaCl लिया, उसको पानी में घोल दिया, NaCl प्लस वाटर है, दो गैसेस डाली उसमें, कौन कौन सी, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दो सॉल्ट मिले हमें, एक अमोनियम क्लोराइड एक अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यू आर गेटिंग टू सॉल्ट ओवर, यू हैव यूज्ड वन सॉल्ट, एक सॉल्ट को वाटर में डाला, गैसेस ऐड करी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो यू आर गेटिंग टू सॉल्ट, दैट इज अमोनियम क्लोराइड and sodium bicarbonate. ठीक, now what are the uses of this sodium bicarbonate? इसे baking powder कहते हैं और साथ ही इसको baking soda भी कहा जाता है, ठीक है। baking soda इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको tartaric acid या citric acid के साथ mix करके market में मिलता है कि आप cakes वगैरह बना सको। क्यों, जब आप sodium bicarbonate को heat करते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने केक में डाला सोडियम बाइकार्बोनेट को, मैंने हीट तो होगा, ऑब्वियसली यू आर हीटिंग इट, यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर राइट डाउन। Now in the uses, it is used in the cake and bakery industries. You have taken sodium bicarbonate and you have added in the cake.
you have heated it, you will get sodium carbonate, carbon dioxide and water. Balance it, hurry up. अभी बेकिंग पाउडर होता तो ये होता, अब इसमें मैंने एसिड क्यों डाला मैं बताऊंगी आपको. बैलेंस इट, हरी अप. बैलेंस क्या है, दोनों साइड एक जैसे. हो गया अर्पित बैलेंस. शेम ऑन यू, दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी, इजीएस्ट. बैलेंस क्या है, जितने एटम्स इस तरफ किसी के, दूसरे के उसी तरफ. द मोस्ट इजीएस्ट बैलेंसिंग एवर. See, बेटे, when I heated sodium bicarbonate, first of all, I got anhydrous sodium carbonate. आप आगे washing soda करोगे, तो washing soda कुछ नहीं है, sodium carbonate plus 10 moles of water molecule. तो यहाँ से आपको washing soda मिल रहा है अभी. पहले तो बात ये, मैं यहाँ पे आऊँ. Next जो reaction करोगे, next जो chemical करोगे, वो यही करने जाओगे, sodium carbon carbonate. ठीक है, वो ऐसे ही सिंथेसाइज करेंगे. समझ आ रही है? अब मैंने केक में डाल दिया, हीट हुआ, सोडियम कार्बोनेट डाला, मुझे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. चलो पानी भी एवेपोरेट कर जाए या केक के साथ मिक्स होएगा, कुछ नहीं है. तो मैंने मार्केट से बेकिंग पाउडर ना लेके बेकिंग सोडा लिया, क्योंकि उसमें थी एसिड. ठीक है, अब एसिड क्या करेगा, इस सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देगा. जो सोडियम कार्बोनेट एक्स्ट्रा बना है, जो बिटर टेस्ट कर सकता है केक में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके बीच में क्या ऐड किया जाता है, एसिड ऐड किया जाता है. ठीक है, सो हमने इसमें दो प्रॉपर्टीज कर ली, एक तो केक में यूज हो गया, एक हमने वॉशिंग सोडा भी प्रिपेयर कर लिया. यू हैव प्रिपेयर्ड वॉशिंग सोडा फ्रॉम इट एंड देन यू विल ऐड 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू इट. And you will get your washing soda ready. So two uses you have done yourself. ठीक? अब इस sodium bicarbonate को जब आप water में डालोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? आप ये सोचो, मैंने आपको salt सिखाए थे, तो I have told you that salt come from an acid and a base, isn't it? जब इन salt को water में डाला जाता है तभी ये pH show करते हैं, क्योंकि ये अपनी कोरस्पोंडेंस एसिड या बेस देते हैं. अब सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर ध्यान से देखें तो एसिडिक रेडिकल कौन सा है? एसिडिक रेडिकल वो है जो एसिड से आया. अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, ये भी हम साथ में ही कर लें, दिस इज टाइप ऑफ ए रिएक्शन. सोडियम बाइकार्बोनेट को जब मैं पानी में डालूंगी तो ये वाला पॉजिटिव पार्ट, और ये क्या होता है बेटे, नेगेटिव पार्ट. पॉजिटिव पार्ट कहां से आता है? बेस से. नेगेटिव पार्ट कहां से आता है? कैन एनीवन टेल मी सोडियम कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो योर एंड प्रोडक्ट में एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा. बाइकार्बोनेट किस एसिड से आया होगा? कार्बोनिक एसिड. तो बनाओ फिर, give you NaOH plus what, carbonic acid. Reaction is complete. This is a property. ठीक है, this is a property. इसको जब water में डालोगे, it will give you what? NaOH plus carbonic acid. Tell me, it is a basic salt, neutral salt or acidic salt? बेसिक. वाई? बिकॉज सॉल्ट किसका है? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का. पी एच विल बी मोर देन 7. लिटमस में आपका पी एच ब्लू की तरफ जाएगा.
लिटमस है, लू की तरह। हरी अब इसके अलावा अगर इसके बेटे यूजेस की बात करो तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। एक यूज हमने केक्स में करी, एक फायर एक्सटिंग्विशर्स जो आजकल आ रहे हैं। पहले तो क्या था, लिक्विफाई कार्बन डाइऑक्साइड डल जाती थी, ठीक। अब फायर एक्सटिंग्विशर्स में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या कोई भी कार्बोनेट डाला जाता है, उसमें एक ग्लास की ट्यूब डाली जाती है जिसमें एसिड होता है। जब वो फायर एक्सटिंग्विशर आप किसी वॉल के साथ जोर से उसको मतलब लगाते हो तो वो जो बॉटल है एसिड की ब्रेक डाउन करेगी। अब आप बताओ अगर कार्बोनेट का बेस है तो क्या देगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट। तो सेकंड यूज लिखो बेटे इसकी, सेकेंड यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। हाउ, इफ आई विल टेक सोडियम बाई कार्बोनेट एंड ट्रीट इट विद एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, वट विल बी आई एम गेटिंग नाउ, विच टाइप ऑफ सॉल्ट, सोडियम सल्फेट प्लस वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल हेल्प टू एक्सटिंग्विश द फायर। Which base is not an, which can't dissolve, alkaline का मतलब क्या पूछना चाहते हैं, which can't dissolve in water, alkaline is that this precipitate carbonates get precipitate out, that is a due to that permanent hardeners can be removed, ठीक है। जिससे आप इस क्लोराइड्स और सल्फेट सब कुछ रिमूव कर देते हो, जिसमें होता है वो हार्ड वाटर हो जाता है। देयर आर हार्डनेस बिकॉज ऑफ क्लोराइड सल्फेट कार्बोनेट, जब ये हम रिमूव कर देते हैं दिस इज अ हार्ड वाटर। जब ये सब कुछ रिमूव कर दोगे इट विल बिकम सॉफ्ट वाटर। सो मेनी प्रोसेसेस आर देयर यू विल डू इन क्लास प्लस वन, आयन एक्सचेंज कैटायनिक एक्सचेंज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस के कारण स्कम बनती है, कार्बोनेट नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अगेन बेटे ही इज आस्किंग नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन राइट डाउन टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वॉटर। हरी अप, टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वॉटर। इन योर वॉटर बेटे दे आर द सॉल्ट लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड विच कॉजेज हार्डनेस। देर इज टू टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी एंड परमानेंट, यू डू इन हायर स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके अलावा सल्फेट्स वगैरह भी होते हैं। अब अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड है वाटर को हार्ड बना रहा है, जब आप साबुन लगाओगे तो आपको, अगर पुराने जमाने में वो देसी साबुन यूज करते थे है ना, तो जो वो क्लोराइड्स थी जब आप साबुन लगाते थे है ना, तो वो स्कम की फॉर्म में बाहर आ जाता है। वो मीन्स वो वाइट वाइट कलर का आपको नजर आता है, कुछ वाइट वाइट सा आ रहा है, दैट इज स्कम बिकॉज ऑफ दैट हार्डनेस, वो कार्बोनेट्स बाहर आ रहे होते हैं। अब हम डिटर्जेंट यूज करना शुरू कर गए हैं जिसके कारण हमारा हार्ड वाटर के ऊपर कोई भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सो राइट डाउन टेक कार्बोनेट्स आफ्टरवर्ड, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेदर देन कार्बोनेट्स। इसमें अभी पहले कार्बोनेट तो बनाओ पहले। दिस कार्बोनेट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस थिंग इट विल बी रिएक्टेड लाइक दिस। नाउ दिस कैल्शियम कार्बोनेट विल बी एंड गिविंग यू द सॉल्युबल सॉल्ट। राइट डाउन,
The sodium carbonate which is obtained is used to remove the permanent hardness. Sodium carbonate which is formed from sodium hydrogen carbonate, that is washing soda, is used to remove the hardness of the water. This is a temporary one, permanent sulfates bhi honge aage. ठीक है बेटे, अब इसमें मैंने आपको दो सॉल्ट करवाए हैं अगर देखा जाए. ठीक है, एक है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, एक है वॉशिंग सोडा. अब वॉशिंग सोडा है क्या? वॉशिंग सोडा कुछ नहीं है, ये कार्बोनेट ही है. अब इसके बीच में 10 मोल्स ऑफ वाटर डाल दो. हरी, अब अपने आप डालो. राइट डाउन वॉशिंग सोडा विद द 10 मोल्स ऑफ वाटर. हरी अप. Na2CO3 में 10 मोल्स ऑफ वाटर डालो. हरी अप. आपने क्या शुरू किया? आपने ये शुरू किया, उसको आपने हीट किया. आपके पास ये बन गया. अब इसमें आपने क्या किया? आपने 2 मोल्स और 10 मोल्स ऑफ वाटर डाले. सो यू आर गेटिंग योर और इसको हमने किस में डाल दिया? अब ये जो कैल्शियम क्लोराइड था, ये भी सॉल्युबल था, ये भी सॉल्युबल. ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, दैट इज वन इनसॉल्युबल वन. अब ये कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा. दिस कार्बोनेट विल बी, तो आपकी हार्डनेस क्या हो जाएगी? तो इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस. ये तो एग्जॉस्ट नहीं चलता बेटे पिक्चर. So what you have done today, bete, you have prepared 2 salts, that is sodium bicarbonate and sodium carbonate. What is the starting reactant for sodium bicarbonate? You have taken salt, you have added water into it, and you have added 2 gases. What you have obtained? Sodium bicarbonate and ammonium chloride. Theek? This sodium bicarbonate, when heated, उसके बाद ही शुरू कर दो, तभी दोनों सॉल्ट याद होंगे. दिस सोडियम बाइकार्बोनेट when heated will give you sodium carbonate plus carbon dioxide and plus water. This sodium carbonate is known as washing soda. समझ आ रही है? जब आप इसको वाटर के साथ एड करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट विल गेट सेटल डाउन, जो आप वो कहते हो ना लाइम वाटर टेस्ट. दिस इज दिस थिंग, कैल्शियम कार्बोनेट ही बनता उसमें भी. पीपीटी बैठते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के. ठीक है, उसमें क्या करते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्या पास करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड. तब भी यही बनते हैं, अब भी यही बन रहे हैं. समझ आ रही है? फिर उसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस योर बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर के क्या यूजेस हैं? इट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री एज बेकिंग सोडा व्हिच कंसिस्ट ऑफ बेकिंग पाउडर एंड एसिड. व्हाई वी ऐड एन एसिड? टू न्यूट्रलाइज सोडियम कार्बोनेट व्हिच कैन बी बिटर टू अस. बेटी, बेकिंग पाउडर सिर्फ एक सोडियम कार्बोनेट है. सोडा में आप सोडा ऐड कर दिया,
एसिड ऐड कर दिया, ठीक है। जब ये एसिड ऐड कर दिया, अब वो आपको कड़वा नहीं लगेगा, फिर आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया। फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज किया कि आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, साथ में आपने एसिड डाल दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ठीक। जो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट मिला, उसको हमने हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज कर लिया। अब इसके बाद, अच्छा उसके बाद इसको सोडियम कार्बोनेट को और किसमें यूज किया, कपड़े धोने में तो करते ही है बेटे, पर वैसे टाइड नहीं, वो सल्फेट्स हैं, वो अमोनिएट्स हैं। ये जो बेटे कार्बोनेट्स है ना, ये कपड़े धोने के लिए पहले यूज होते थे, इसलिए ये जो व्हाइट व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट आपका बाहर आता था, ठीक है। आजकल जो डिटर्जेंट आ रहे हैं उसके साथ आपको इतनी स्कम बाहर नहीं आती, पीपीटी नीचे नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि अभी हमने ये सोडियम को रिप्लेस कर दिया हमने अमोनियम और सल्फेट्स के साथ, अब नहीं आती है ये स्कम, दैट इज डिटर्जेंट, ठीक है। उसके बाद ये लेबोरेटरी में बहुत यूज होते हैं, लैब में तो हम करते ही रहते हैं। व्हेन यू विल डू टाइट्रेशन इन क्लास प्लस वन, यू विल टेक मेडिकल और नॉन मेडिकल, तो हम अमोनियम कार्बोनेट के साथ टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन होती क्या है, आपको किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ पता चल जाती है, कितना कोई वो कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना कोई वो डाइल्यूट है। वो पीएस से नहीं पता चलती, कितने ग्राम ऑफ एसिड कितने वाटर में डिजोल्व किए, पीएस से पता चलेगा, बस टाइट्रेशन से पता चल जाएगा तुझे, ठीक है। लास्ट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पीरियड इज नॉट येट ओवर। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन?